Hello everyone and welcome to LK Academy. I hope every one of you is safe and doing well at your home. तो आज से मैं लेके आया हूँ आपके लिए ब्रांड न्यू करंट अफेयर्स जो कि आपको काम आएंगे आपकी प्रीलिम्स में. ओके, यूपीएससी ने अपना पूरे साल का जो टाइम टेबल है वो पब्लिश कर दिया है. आने वाले कुछ दिनों में जीपीएससी का भी नए डेट्स वाला टाइम टेबल आपके सामने आ जाएगा. सो आज से हम स्टार्ट करेंगे सारे करंट अफेयर्स के रिवीजन स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी. अब जो लोग नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, ओके, जो लोग रेगुलरली करंट अफेयर्स के लेक्चर भरते हैं उनको पता है कि करंट अफेयर्स कितना ज़रूरी है. बट जो लोग नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ उनके लिए थोड़ा एक मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ. करंट अफेयर्स क्या है? ओके, पहला सवाल जब आप जीपीएससी या यूपीएससी के लिए जब आप प्रिपेयर करोगे तो पहला ही जब आप सिलेबस देखोगे तो बाकी सारे टॉपिक्स तो आपको समझ में आ जाएंगे. हाँ भाई, चलो ये जो पोर्शन है वो हिस्ट्री में आएगा, ये पर्टिकुलर पोर्शन मैथ्स में आएगा, क्वांटिटेटिव में आएगा, इंग्लिश में आएगा. ओके, एंड लाइक वाइज. बट करंट अफेयर्स में ये सारी ही चीज़ें आएगी. तो करंट अफेयर्स क्या है? जो रोज़ आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, जो अपने मोबाइल एप्लीकेशन में देखते हो. ओके, बट वो सारी चीज़ें आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाती और वही चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी कि जो 1000 खबरें, जो 1000 घटनाएं आपके आसपास रोज बनती है उसमें से कौन सा इंसिडेंट, कौन सी घटना फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव ज़रूरी है वो आपको यहाँ पे कवर करवाया जाएगा. ओके, सो ये है आपका करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? ओके, आपको सवाल होगा कि मैं करंट अफेयर्स का पोर्शन छोड़ दूंगा और प्रीलिम्स पास हो जाऊंगा. माई बिग आंसर इज नो. अगर आप ये सोचते हो कि विदाउट करंट अफेयर्स यू कैन पास एनी एग्जाम्स, ओके, क्लास 1, 2, 3, 4 XYZ, आप नेम दी एग्जाम, विदाउट करंट अफेयर्स आप उसको पास नहीं कर सकते. क्यों पास नहीं कर सकते? क्योंकि पिछले 6-7 सालों का जब आप ग्राफ स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है उसको यूपीएससी, जीपीएससी या XYZ एजेंसी ने धीरे धीरे बढ़ाया है. क्यों बढ़ाया है? कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि करंट अफेयर्स इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट और इसमें आप हर तरीके का नॉलेज इसमें चेक कर सकते हो. एंड दैट इज व्हाई करंट अफेयर्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू यू. और ऐसा नहीं है आपने सिर्फ हेडलाइन पढ़ ली और आप प्रीलिम्स पास कर लोगे. यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द एक्सेस, ऑल द पैरामीटर्स, ऑल द बाउंड्रीज ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूज. ओके, सो उसी की हम आने वाले हमारे सारे लेक्चर्स में पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन करेंगे. जो एक्स्ट्रा है उसको हम निकाल देंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जरूरी है उसको मैं आपके सामने लेके आऊंगा. ओके, चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. तो देखिए, ये जो सारे सब्जेक्ट आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहे हैं, अवार्ड्स हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन हो, ओके, चाहे नेशनल, स्टेट या न्यूज़ हो. पहले मैं इनके एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ. मान लीजिए अभी नवम्बर 2019 में जैसे कि नोबेल प्राइज़ दिया गया था. अब आप वो जो पर्टिकुलर न्यूज है, इंसिडेंट है, वो और किसी पोर्शन में या और किसी जगह पे सिलेबस में फिट नहीं होगा, वो आपका फिट होगा करंट अफेयर्स में. ओके, अब करंट अफेयर्स में सारे नाम आपको याद रखने हैं, किस पर्टिकुलर इंसान को, किस पर्टिकुलर पर्सनालिटी को वो मिला है, क्यों मिला है. ओके, क्या क्या उसके पीछे की कंट्रोवर्सी थी, क्या क्या रीजन थे कि उनको ये अवार्ड दिया गया, वो सारी चीजें आपको पहचाननी है. दूसरा हो गया हिस्ट्री. मान लीजिए हिस्ट्री से रिलेटेड अगर लोथल शहर में कुछ मोहेंजोदारो के टाइम के कुछ पत्थर मिले हैं या सिक्के मिले हैं, ओके, सो मोहेंजोदारो आप पढ़ोगे अपने हिस्ट्री के सब्जेक्ट में, बट उसको करंट अफेयर्स के साथ कैसे रिलेट करना है वो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा. दूसरा इंटरनेशनल रिलेशन. अभी जैसे आपको पता है कि यूएसए और ईरान के बीच में काफ़ी सारे क्लैशेस चल रहे हैं, यूएसए और चाइना के बीच में काफ़ी सारे क्लैशेस चल रहे हैं, इंडिया और चाइना के बीच में LAC पे थोड़ा तंग वातावरण अभी धीरे धीरे हो रहा है. नेपाल और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो आपको पिछले दिनों देखने को मिला है. तो वो सारी चीज़ें भी आपको करंट अफेयर्स के साथ जोड़ के देखनी होगी. दूसरा है आपका पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, अब आपको ये सवाल उठना चाहिए कि भाई पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन तो मैं अलग से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, वो करंट अफेयर्स के साथ कैसे जोड़ के पूछा जा सकता है। तो अभी जैसे आपको पता होगा कि पिछले दिनों में निर्भया गैंग रेप के जो कल्प्रिट थे उनको डेथ पेनल्टी सुनाई गई। अब वहाँ पे आपको एक वर्ड अगर आपने फॉलो करते हो अगर न्यूज़ तो आपको पता होगा कि क्यूरेटिव पिटिशन नाम का एक शब्द अगर आपने सुना होगा। अब ये क्यूरेटिव पिटिशन की जो डेफिनेशन है, ओके, दैट इज रिलेटेड टू दी पॉलिटी, उसका जो आइडिया है दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटी। बट क्योंकि वो निर्भया केस में न्यूज़पेपर में आया था इसीलिए उसको जोड़ा जाना चाहिए करंट अफेयर्स के साथ। तो अगर आपको क्यूरेटिव पिटिशन के बारे में कुछ पूछा जाता है तो दैट विल फॉल अंडर इन योर पॉलिटी एज वेल एज इन योर करंट अफेयर्स। अगर आपको क्यूरेटिव पिटिशन के बारे में सब कुछ पता है पर अगर आपको निर्भया केस के बारे में नहीं पता है तो जो अप्लाई उसको कैसे किया जाना चाहिए वो आपको कभी पता नहीं चलेगा, और जब तक आपको उसकी एप्लीकेशन नहीं पता होगी आप प्रीलिम्स में वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट इज नेशनल स्टेट न्यूज़। ओके, इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट है, कोई गवर्नमेंट अगर कहीं जगह पे नहीं बनी है, प्रेसिडेंट रूल लगा है, गवर्नर रूल लगाया गया है, यूनियन टेरिटरीज नए बनाए गए हैं, कोई ज्योग्राफिकल चेंजेस हुए, वो सारी चीज़ें हो गई आपकी नेशनल एंड स्टेट न्यूज़ में। ओके, नेक्स्ट होगा आपका स्पोर्ट्स रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपके फॉल करेंगे करंट अफेयर्स में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके, जैसे कोरोना वायरस अभी न्यूज़ में, तो कोरोना वायरस से रिलेटेड साइंस और टेक्नोलॉजी कैसे अफेक्ट करेगा वो सारी चीज़ें आपको पूछी जाएगी, करंट अफेयर्स विथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट इज एनवायरमेंट। ओके, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या क्या इफेक्ट हो रहा है वो सारी चीज़ें आपको, पेरिस एग्रीमेंट क्या है, तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है, ओके, ये सारे जो क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाएंगे आपके एनवायरमेंट के सेक्शन में विथ रेफरेंस टू करंट इश्यूज, करंट इंसिडेंट, करंट अफेयर्स। ओके, नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट। ओके, देखिए पिछली बार जीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था कि 4 बॉलीवुड एक्टर्स के नाम दिए गए थे और कौन सबसे ज्यादा इनकम टैक्स भरता है वो आपको पूछा गया। तो एंटरटेनमेंट को भी आपको निगलेक्ट नहीं करना है। ऑस्कर अवार्ड्स हो गए, ओके, नेशनल फिल्म अवार्ड्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपकी फॉल करेगी एंटरटेनमेंट के सेक्टर में। नेक्स्ट इज ज्योग्राफी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया और नेपाल के बीच उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन पे अफेक्ट करेगा, कौन सी एजेंसीज को उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है विथ ज्योग्राफी विथ रेफरेंस टू करंट अफेयर्स। उसी तरह कल्चर हो गया, ओके, और हो गया इकोनॉमिक्स। तो देखिए क्यों करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो सब्जेक्ट आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो सारे के सारे विथ रेफरेंस टू करंट अफेयर्स, विथ रेफरेंस टू योर न्यूज़पेपर आपको आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, और अगर आप फॉलो करते हो सक्सेस स्टोरीज को यूट्यूब पे या कहीं भी, ओके, तो अगर कोई आप कभी भी जो टॉप रैंकर्स हैं उनकी एक बात अगर आपको कॉमन मिलेगी, उनके पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है, उनके स्ट्रॉन्ग जो डिसिप्लिन है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो अलग हो सकते हैं, बट जो एक कॉमन चीज़ आपको मिलेगी दैट इज़ न्यूज़पेपर रीडिंग। ओके, चाहे वो लोग द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या तो फिर इंडियन एक्सप्रेस, ओके, और वो हमेशा न्यूज़पेपर के साथ टच में रहते होंगे। तो करंट अफेयर्स आपका जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना आपको अपने प्रीलिम्स पास करने में फ़ायदा मिलेगा। ओके, चलिए ये सवाल अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई इज इट ओके नॉट टू फोकस ऑन करंट अफेयर्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले कुछ सालों के जब आप ग्राफ्स फॉलो करोगे, ओके, और मार्क चार्ट जब फॉलो करोगे तो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये जो नीचे का पोर्शन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ओके, सो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है दिस इज योर करंट अफेयर्स। तो देखिए उसका ग्राफ अगर आप देखोगे तो कैसे ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, बाकी के सब्जेक्ट कितने छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड हो गए। अगर आपका करंट अफेयर्स स्ट्रांग हो गया तो आप प्रीलिम्स पास करने के एक कदम और नज़दीक चले जाओगे। और यहाँ पे आपको यूपीएससी के लिए, ओके, मार्क टैली दी गई है फ्रॉम 2011 टू 2019 एंड सेम फॉलोज फॉर एवरी अदर एग्जाम। अब तो जीपीएससी भी सेम टू सेम यूपीएससी को फॉलो कर रहा है, ओके, पिछले 1-2 सालों से। सो जीपीएससी भी अगर आपको प्रीलिम्स पूछेगा, अगर आपका करंट अफेयर्स क्लियर हुआ तो आप काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, काफ़ी सारे पॉलिटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, काफ़ी सारे एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी आप क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके सो ये सवाल अगर आपके दिमाग में है कि भाई मुझे करंट अफेयर्स पे फोकस नहीं करना है, नहीं चलेगा। बाकी के सब्जेक्ट भी आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं, करंट अफेयर्स भी आपको स्ट्रॉन्ग करते रहना है। अगर आप देखिए करंट अफेयर्स छोड़ दोगे तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। ओके सो यू आर नॉट अलाउड टू नॉट फोकस ऑन करंट अफेयर्स, यू हैव टू हैव योर ग्रिप ऑन डेली करंट अफेयर्स। ओके दूसरा एक सवाल आपके मन में आएगा, हाउ फ्रीक्वेंटली शुड आई रीड करंट अफेयर्स। ओके कई लोग मुझे क्लास में जब मैं पढ़ा था तो पूछते थे, कॉल करके पूछते कि भाई सर एक हफ्ते का मैं साथ में अगर न्यूज़ पढ़ लूँगा तो चलेगा, या जब अगर दिसंबर में मान लीजिए एग्जाम है तो मैं नवंबर में एक दिन बैठ के सारे साल भर के करंट अफेयर्स पढ़ लूँगा। मुझे आप ये चीज़ बताइए कि अगर आपको एक दिन में ओके 24 घंटे में से अगर आधा घंटा या 45 मिनट्स अगर आप न्यूज़ नहीं पढ़ सकते बैठ के, तो साल भर के न्यूज़ आप साथ में कैसे पढ़ेंगे। ओके वो काफ़ी कम्बरसम काम हो जाएगा आपके लिए, काफ़ी टीडियस वर्क हो जाएगा, तो ऐसा कभी मत कीजिए। हाँ हो सकता है कि अगर आप डेली नहीं कर पा रहे हो ओके तो एक हफ्ता या 3 दिन का एक शेड्यूल बनाएंगे, भाई 3 दिन के करंट अफेयर मुझे वेडनेसडे या नेक्स्ट सैटरडे को बैठ के मुझे देख लेना है और संडे को उसका पूरा रिविजन कर लेना है। इस तरह से पूरा टाइम टेबल बनाइए। ओके देखिए करंट अफेयर्स का मतलब ये है कि रोज़ बरोज़ आपकी चीज़ें बदलती जाएगी। अगर आप एक भी दिन बीच में स्किप कर दो तो आपका जो लॉजिक है पूरा, जो पूरा अंडरस्टैंडिंग है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा एंड दैट शुड नॉट हैपन, अदरवाइज वो आपके अफेक्ट करेगा, आपकी जो जजमेंट की कैपेसिटी है ओके उसको अफेक्ट कर सकता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को अफेक्ट कर सकता है, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो ट्राई कीजिए कि आप डेली टू डेली ओके द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या कोई भी रीजनल अच्छा अखबार आप पढ़ते हो। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो जस्ट फॉलो अवर वीडियोस, द हिंदू से डायरेक्टली आपको जो एनालिसिस है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आपको यहाँ पे सर्व किया जाएगा। ओके सो हाउ फ्रीक्वेंटली शुड आई रीड करंट अफेयर्स का आंसर यहाँ पे क्या होगा, डेली इन कैपिटल लेटर्स। अगर डेली नहीं कर पा रहे हो ओके कहीं अगर गैप हो जा रहा है तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको उसको दूसरे दिन कवर कर लेना है। ओके अदरवाइज आपका बैकलॉग बढ़ता जाएगा जो आपको ही कंप्लीट करने में दिक्कत होगी। तो बेटर है कि अपना बैकलॉग जितना कम बिल्ड हो उतना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे पास और काफ़ी सारे भी सब्जेक्ट है राइट, जो भी हमको साथ साथ कवर करने होंगे। ओके चलिए तो इसी के साथ ओके पहले तो बेस्ट ऑफ लक। काफ़ी आसान तरीके से, काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ेंगे। तो पहला आपका जो 2019 का जो पहला करंट अफेयर्स का न्यूज़ है दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। ओके और वो है ISFR रिपोर्ट 2019 इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। अब देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है क्या रिपोर्ट होगी है कि इंडिया में फॉरेस्ट की कंडीशन क्या है। ओके उसके बारे में ये रिपोर्ट बात करता होगा। साइड में जो आपको फोटो दिख रहा है सोचिए पॉज करके कि उनका नाम क्या है। 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं आपको। एग्जैक्टली वो है हमारे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर और उनके हाथ में जो आपको कॉपी दिख रही है वो है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। ओके सो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जो ग्रीन कवर है ओके जो पेड़ पौधों की संख्या है, जो ट्रीज की जो संख्या है, जो जंगलों की जो कवर है वो टोटल कितना बढ़ चुका है पिछले रिपोर्ट से। जो पिछला रिपोर्ट आया था वो आया था 2017 का रिपोर्ट आया था। तो दिस इज एन बाई एन्यूअल रिपोर्ट, दिस इज यू हैव टू अंडरलाइन ओके दिस इज अ बाई एन्यूअल रिपोर्ट। हर 2 साल में एक बार ISFR रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। सो टोटल फॉरेस्ट कवर जो है वो है इंडिया में एज पर दी 2019 80.73 मिलियन हेक्टेयर। ओके देखिए और पिछले कुछ सालों में यूपीएससी जीपीएससी में ये देखा गया है कि आपको डायरेक्ट नंबर भी पूछे जाएंगे। ओके जैसे एग्जाम में 80.73 दिया होगा, दूसरे ऑप्शन में आपको 70.73 दिया होगा। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है और इसीलिए जो आप नोट्स बना रहे हो वो इस तरह से बनाओ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ओके और जो परसेंटेज जो एरिया है वो है हमारे लिए 24.56% टोटल फॉरेस्ट कवर। ओके टॉप 3 स्टेट शोइंग इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया 2017 के कंपैरिजन में कौन से स्टेट ने सबसे ज़्यादा अपने फॉरेस्ट कवर में इंक्रीमेंट दिखाया है, तो वो 3 स्टेट के नाम आपको यहाँ पे दिए गए हैं कर्नाटका, उसके बाद है आंध्र प्रदेश और उसके बाद है केरला. दिस इज ऑल्सो मोस्ट आईएमपी. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू. कर्नाटक ने 2017 के मुकाबले 1025 स्क्वायर किलोमीटर जितना हमने अपने फॉरेस्ट कवर में इंक्रीमेंट रजिस्टर किया है. मतलब कर्नाटक स्टेट की जो बाउंड्रीज है उसमें लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर जितना फॉरेस्ट कवर जो है वो बड़ा है, उतने जंगल वहाँ पे बड़े हैं. आंध्र प्रदेश में सेम 990 स्क्वायर किलोमीटर और केरला में 823 स्क्वायर किलोमीटर. एरिया वाइज लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री. ओके, अब सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कौन से स्टेट में है? तो पहला है मध्य प्रदेश, नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश, थर्ड छत्तीसगढ़ एंड फिफ्थ इज ओडिशा, सॉरी फोर्थ इज ओडिशा. तो ये भी आपको याद रखना है. ओके, दिस इज ऑल्सो मोस्ट, जो भी स्क्रीन पे है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव. ओके, चलिए, ये जो रिपोर्ट है वो पब्लिश किसने की है? जैसे कि मैंने आपको बताया, जो प्रकाश जावड़ेकर थे वो एनवायरमेंट मिनिस्टर है, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर. तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट, ये पूरा मिनिस्ट्री का पूरा नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज रिलीज्ड द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019. ISFR इज अ बाई एन्यूअल पब्लिकेशन, तो ये द्विवार्षिक पब्लिकेशन है, हर 2 साल में इसको पब्लिश किया जाता है फ्रॉम दी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया. ओके, जो ये पूरा एक्सरसाइज जो है फॉरेस्ट मैपिंग का जो एक्सरसाइज है वो कौन कंडक्ट करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया. पब्लिश इसको कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. नाउ व्हाट इज FSI? एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. तो FSI के बारे में हम कभी और बात करेंगे जब काफ़ी एजेंसीज के बारे में हम बात करेंगे. जैसे कि आपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सुना है, जो पुरानी जो पुरातन चीज़ें हैं, ओके, एंशियंट चीज़ें, उनकी देख रेख रखता है. तो वैसे ही फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो जंगलों के कंजर्वेशन के लिए काम करता है. द ISFR assesses the forest and tree cover, bamboo resources, carbon stock and forest fires. Now this is the most important line. Okay, अगर आपको पूछा जाता है कि from the following what does ISFR not cover? Okay, और आपको कुछ ऑप्शन दिए होंगे, जैसे कि अगर इसके विदाउट कोई ऑप्शन दिया है तो वो ISFR कवर नहीं करता है. मान लीजिए लैंड मैपिंग दिया है या लेक मैपिंग दिया है या रिवर मैपिंग दिया है, तो ये सारी चीज़ें ISFR कवर नहीं करता है. ये आपको पता होना चाहिए क्या क्या कवर करेगा. पहली चीज़ है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, दूसरा है बाम्बू रिसोर्सेस, कार्बन स्टॉक एंड फॉरेस्ट फायर्स. द 2019 रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम हैज असेस्ड द qualitative nature of the forest cover, including listing its biodiversity and the type of plants and trees found. It also created a national forest inventory for the first time on produce from forest. तो 2019 में पहली बार forest inventory, okay, national forest inventory भी establish की गई है. Okay, चलिए, अब इस रिपोर्ट के की फाइंडिंग्स क्या है? तो पहली चीज जो आपको पता करनी है वो है फॉरेस्ट कवर. ओके, जो जंगल है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी आगे गए जो स्लाइड थी उसमें मैंने आपको बताया. तो एरिया वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड इज छत्तीसगढ़, फिफ्थ वन इज ओडिशा, फोर्थ वन इज ओडिशा एंड फिफ्थ वन इज महाराष्ट्र. तो ये है टॉप 5 स्टेट जहाँ पे एरिया वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर आपको देखने को मिलेगा. दूसरा है फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, जो स्टेट का जितना एरिया है तो कितने परसेंटेज एरिया कोई पर्टिकुलर स्टेट का अंडर फॉरेस्ट कवर्ड है. तो वहाँ पे आपको पहला मिलेगा मिजोरम. ओके, द टोटल फ्रॉम द टोटल लैंड 85.4% ऑफ द टोटल मिजोरम स्टेट लैंड इज कवर्ड एज अ फॉरेस्ट. ओके, तो 85.4% में आपको क्या देखने को मिला? मिजोरम में जंगल देखने को मिलेंगे. सेकेंड है अरुणाचल प्रदेश एंड थर्ड वन इज मेघालय. तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. अगर आपको एरिया वाइज पूछा जाता है तो पहले नंबर पे होगा मध्य प्रदेश. अगर आपको परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट कवर पूछा जाता है हाईएस्ट तो होगा मिजोरम. ओके, चलिए, इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर की भी मैं आपको बात कर चुका हूँ. द कंट्रीज फॉरेस्ट कवर इंक्लूड्स all patches of land with a tree canopy density of more than 10%. Okay, अगर ट्री कैनोपी, कैनोपी का मतलब है जो उसका एरिया है, जो कोई अगर पेड़ है उसका जो घेराव है, उसका जो जहाँ पे उसकी छांव पड़ सकती है, ओके, सो उसका जो टोटल एरिया है, उसके जो ब्रांचेस का जो टोटल एरिया है, दैट विल बी कवर एज अ ट्री कैनोपी, ओके, सो ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ मोर देन 10% एंड मोर देन 1 हेक्टर इन एरिया इररिस्पेक्टिव ऑफ लैंड यूज, ओनरशिप एंड स्पीशीज ऑफ ट्रीज। तो अगर ये प्राइवेट लैंड में भी अगर आप इतने पेड़ उगा देते हो, ओके, जो कि 10% मोर देन 10% ट्री कैनोपी डेंसिटी वो कवर करता है, तो दैट विल बी कवर्ड अंडर फॉरेस्ट कवर, ओके। सो सबसे ज्यादा इंक्रीज जो है वो उसके लिए टॉप 5 स्टेट कौन से हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कर्नाटका ने सबसे ज्यादा इंक्रीज दर्ज कराई है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश विद 990 स्क्वायर किलोमीटर, ऑन थर्ड नंबर केरला 823 स्क्वायर किलोमीटर, ऑन फोर्थ नंबर जम्मू एंड कश्मीर 371 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो रिपोर्ट है, ओके, वो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने जो सैटेलाइट की मदद से जो एरिया मैप किया है उसके हिसाब से ये फिगर है, ओके। एंड फिफ्थ वन इज हिमाचल प्रदेश विद द इंक्रीज ऑफ 334 स्क्वायर किलोमीटर। द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री इज 7.12249 स्क्वायर किलोमीटर, 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज 21.67। देखिए ट्री कवर एंड फॉरेस्ट कवर में यहाँ पे आपको फर्क देखने को मिलेगा, तो 21.67 इज फॉरेस्ट कवर, ओके, ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। तो टोटल लैंड का 21.67% जो है वो क्या है, जंगलों से घिरा हुआ है। इंडिया का एम देखिए क्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, डिफॉरेस्टेशन की जो समस्या है, उसकी वजह से इंडिया ने एक एम अपना बनाया हुआ है कि ये जो 21.67% का जो रेशियो है उसको अपने को लेके जाना है 33% तक, मीनिंग 1/3 ऑफ द टोटल लैंड, ओके, 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपका हमेशा क्या रहेगा, जंगल रहेगा। अगर किसी जगह डेवलपमेंट के लिए पेड़ काटे जाएंगे तो सामने दूसरी जगह उससे ज्यादा पेड़ उगा दिए जाएंगे, तभी आपको एनवायरमेंट मिनिस्ट्री परमिशन देगी। तो 1/3 या तो 33.33%, ओके, वो आपका टोटल जो एरिया है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, ओके। एंड दिस इज इंडियाज एम टू कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग एंड डिफॉरेस्टेशन, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये गोल है, इसकी वजह से ये सारी मेहनत हम कर रहे हैं, ओके। चलिए, इंक्रीज इन ट्री कवर, ट्री कवर में कितना इंक्रीज आपको देखने को मिला, ट्री कवर कंप्राइजेस ऑफ ट्री पैचेस ऑफ साइज लेस देन 1 हेक्टर अकरिंग आउटसाइड दी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। तो आप बड़े बड़े शहरों में या छोटे छोटे गाँव में देखोगे कि रस्ते पे या फार्म में काफी सारे पेड़ उगाए जाते हैं, तो उनको भी तो अपने ट्री कवर में इंक्लूड करना है, बट वो फॉरेस्ट की डेफिनेशन में फिट नहीं बैठते हैं, इसीलिए उनको अलग से काउंट किया जाता है, एंड दैट इज tree cover, okay. The tree cover of the country is estimated 95,000 square kilometer, which is 2.89 of the geographical area. तो अगर आपको particular tree cover पूछा जाता है exam में तो that will be 2.89%, और अगर forest cover पूछा जाता है तो forest cover will be 21.67%। यहाँ पे confuse नहीं होना है, okay? चलिए, और ये आपको दी गई है 2017 के साथ कंपैरिजन। देखिए 2019 के सर्वे में क्या देखने को मिला है कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जब उनको साथ में जोड़ दिया जाएगा तो टोटल 5188 स्क्वायर किलोमीटर जितना इंक्रीज अपने को जंगलों में और पेड़ों में देखने को मिला है। ट्री एंड फॉरेस्ट कवर टुगेदर मेड अप ऑफ 24.56, तो दिस इज द थर्ड फिगर दैट यू हैव टू रिमेंबर, ओके। सो अगर आपको ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर दोनों साथ में पूछा जाता है तो उसका आंसर क्या होगा, 24.56%, ओके। द नेशंस ट्री एंड फॉरेस्ट कवर हैज लार्जली होवर्ड फ्रॉम 21 टू 25% एंड इज अ शॉर्ट ऑफ द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 which envisages 33% to be under such cover। दो 1988 में ही नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो हमने बनाई थी उसमें हमने डिसाइड कर लिया था कि भाई हमारा 33% हमारा एट दी एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम क्या होना चाहिए, पेड़ पौधे या जंगल होने चाहिए। और एक चीज आपको यहाँ पे खास याद रखनी है, और दिस इज स्पेसिफिक टू गुजरात। अगर आप गुजरात रिलेटेड कोई एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट अगर गुजरात लेवल की कोई एग्जाम दे रहे हो तो भी आपको ये चीज याद रखनी है, मैंग्रोव कवर जो है, मैंग्रोव कवर में, मैंग्रोव का मतलब क्या है कि जो लेक के पास या नदी के पास जो पेड़ पौधे होंगे, जैसे सुंदरवन। ओके, सो सुंदरवन इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मैंग्रोव इन इंडिया। ओके, तो वो मैंग्रोव कवर में सबसे ज्यादा अगर किसी ने इंक्रीमेंट रजिस्टर किया है तो वो है स्टेट गुजरात। ओके, और टोटल मैंग्रोव कवर जो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम इन कंपैरिजन टू 2017 टू 2019 वो है आपका 54 स्क्वायर किलोमीटर एज कंपेयर टू द प्रीवियस असेसमेंट। ओके, चलिए, और ये थोड़ा आपको मैंने ग्राफिक्स दिया है जो टॉप 5 स्टेट्स है वेर मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इंक्रीज। तो मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इंक्रीज कहाँ पे हुआ है? कर्नाटका में। ओके, एरिया वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ओके, और परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कौन से स्टेट में है? दैट इज मिजोरम। ओके, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। मिजोरम जब पूछा जाएगा आपको परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट कवर, एंड एमपी जब आपको पूछा जाएगा एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर। ओके, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, चलिए, और सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर में इंक्रीमेंट किसने दर्ज करवाया है? कर्नाटका ने, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1100 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, चलिए, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या है? द पॉलिसी एम्स एट मेंटेनिंग ऑफ एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी। देखिए, पॉलिसी में लिखा काफी कुछ गया है, बट हमने बीच में पिछले 2019 के एंड में हमने अरे फॉरेस्ट के बारे में काफी सारे प्रोटेस्ट होते हुए देखे मुंबई महाराष्ट्र में। ओके, एंड विच इज क्लियरली रिलेटेड टू एनवायरमेंट। ओके, इट लुक्स एट कंजर्विंग द नेचुरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री बाय प्रिजर्विंग द रिमेनिंग नेचुरल फॉरेस्ट, इंक्रीजिंग फॉरेस्ट और ट्री कवर इन द कंट्री थ्रू मैसिव एफोरेस्टेशन एंड सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स, creating a massive people's movement for achieving these objectives and to minimize pressure on existing forests. Okay, तो government हमेशा ये ट्राई कर दी है कि जंगलों को ना काटा जाए, बट हमारी जरूरत इतनी बढ़ चुकी है कि जंगलों के काटे बिना, पेड़ों को काटे बिना यू कैन नॉट डेवलप योर सेल्फ। ओके, सो उसी की वजह से आज जो ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, टेम्परेचर राइज, ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं, ओके, काफी सारी स्पीशीज जो है इंसेक्ट की, बर्ड्स की, एनिमल्स की, वो इंस्टिक्ट हो रही है। ओके, तो ये भी उन्हीं का रीजन है कि जंगल जो है उनका घर हम लोग छीन रहे हैं, उसी को बचाने के लिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई है। ओके, जो मैंने आपको बात की मैंग्रोव के बारे में। ओके, तो देखिए, सबसे ज्यादा मैंग्रोव में ग्रोथ किसने रजिस्टर करवाया? 37 स्क्वायर किलोमीटर जितना गुजरात ने, सेकेंड है महाराष्ट्र ने, और लास्ट में है ओडिशा। तो दीज आर टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मर स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ मैंग्रोव इंक्रीमेंट। ओके, देखिए, ऐसी जो आपको पेड़ पौधे, यहाँ पे ये नदी है। ओके, सो ऐसी जो आपको वनस्पति देखने को मिलेगी कि जो दलदल में उगी होगी या पानी में उगी होगी, दोज आर नोन एज मैंग्रोव कवर। Okay, the total number of wetlands located within the RFA GW is 8.13। तो total land का जो 8.13% है वो है wetland, नदियां हो गई या lakes हो गए of the international importance। Among the state, Gujarat has the largest area of wetlands within RFA in the country, followed by West Bengal। Okay, तो wetlands के मामले में गुजरात पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर है वेस्ट बंगाल। सो दीज आर योर बेसिक अबाउट ISFR रिपोर्ट 2019। ऑलमोस्ट सारे फैक्ट्स मैंने कवर कर दिए है, इसके बाहर का मोस्ट प्रोबेबली कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर कोई डाउट है मुझे बताइए, आई ट्राई टू एड्रेस योर डाउट। ओके, अगेन अगर आपको नहीं समझ आया, एक बार जस्ट फैक्ट देखिए। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ रिगार्डिंग नोट मेकिंग। डोंट राइट थियरी इन योर मेन नोट जो आप रिवीजन करते टाइम पढ़ने वाले हो। ओके, मेक इट इंटरेस्टिंग। अलग अलग कलर के पेन का इस्तेमाल कीजिए फ्लो चार्ट और ड्राइंग का इस्तेमाल कीजिए। ओके, ये सारे जो मैंने आपको फिगर्स बताए, अगर आप सेक्शन वाइज फ्लो चार्ट में उसको डिवाइड कर दोगे तो एक ही फिगर याद रखने में आपको काफी आसानी होगी। आप ट्राई कर लीजिए, अल्टीमेटली इट इज योर चॉइस, आपको जिस तरीके से याद रहे वो आपकी चॉइस है। आई एम जस्ट शोइंग यू एन ऑप्शनल वे। ओके, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस इज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ओके, देखिए ये जनवरी के जो सारे न्यूज है वो बिफोर कोविड पेंडेमिक वाले न्यूज है, तो हो सकता है कि अब आपको लगे कि भाई अब तो ये बदल चुका है, बट क्योंकि प्रीलिम्स में आपको फैक्ट्स पूछे जाएंगे। ओके, सो अगर हम जनवरी के न्यूज पढ़ रहे हैं तो उस पर हमें अभी कोविड को हावी नहीं होने देना है। ओके, चलिए, रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड द रिपोर्ट ऑफ द टास्क फोर्स ऑन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन फॉर 2019 टू 2025। आने वाले 5 सालों के लिए मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है उसको कैसे बढ़ाया जाए, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाया जाए, इकोनॉमी को कैसे रिवाइव किया जाए, क्योंकि हमें पता है कि जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन की वजह से पिछले 2 सालों से हमारी इकोनॉमी काफी स्लो चल रही है। ओके, हमारा जीडीपी जो है वो काफ़ी नीचे आ चुका है। उसको रिवाइव करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन नाम का प्रोजेक्ट फिनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से लाया गया है। ओके, Earlier, the Prime Minister in his Independence Day speech 2019 highlighted that 100 lakh crore rupees would be invested on the infrastructure over the next 5 years. Infrastructure बढ़ेगा तभी हर possible industry को काम मिलेगा, employment मिलेगा। Infrastructure is the biggest employment giver industry. Okay, this emphasizes ease of living, safe drinking water, access to clean and affordable energy, healthcare for all, modern railway stations, airports, bus terminals and world class educational institutes. तो इन सारे सेक्टर्स में आने वाले 5 सालों में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा। Task force was constituted to draw up the national infrastructure pipeline for each of the year from financial year 2019 to 2025. तो आने वाले 5 सालों के लिए हर साल के लिए अलग अलग टास्क फोर्स भी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। ओके, इसको प्रेजेंट किसने किया? इसको प्रेजेंट किया था हमारे फिनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने। ओके, और ये देखिए आपको यहाँ पे ग्राफ मिल रहा है, सबसे ज्यादा रोड्स बनाने में आने वाले 5 सालों में गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी। ओके, हो सकता है इनमें से कुछ जो फैक्ट्स है वो अब चेंज हो चुके हो। क्यों? क्योंकि आफ्टर कोविड-19 पेंडेमिक काफ़ी सारे स्टिम्युलस पैकेजेस दिए गए हैं। ओके, जिसका असर इस पे भी पड़ेगा। ओके, 20 लाख करोड़ के स्टिम्युलस पैकेज लिए गए हैं, जिसकी हम मार्च अप्रैल के जो करंट अफेयर्स के लेक्चर्स होंगे उसमें डिस्कशन करेंगे, एक बार और रिवीजन हम करेंगे। ओके, सेकेंड हाईएस्ट अर्बन एंड हाउसिंग, रेलवेज, कन्वेंशनल पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, ड्रिंकिंग वाटर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एटॉमिक एनर्जी, एयरपोर्ट्स, बस स्टेशन, टूरिज्म, ये सारे सेक्टर्स में इस हिसाब से परसेंटेज वाइज पैसा खर्च किया जाएगा। ओके, चलिए। ओके, और ये हमारी फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जिन्होंने ये पूरे जो प्लान है उसको मीडिया के सामने रिप्रेजेंट किया, देश की जनता के सामने रिप्रेजेंट किया। ओके, देखिए एनर्जी में भी कितना अलग अलग टाइप की एनर्जी में, ओके, जो क्यूमुलेटिव जो आपका शेयर बनेगा वो ऑलमोस्ट 24% का शेयर बनेगा। ओके, ये गवर्नमेंट का एक एम है कि 2022 तक। ओके, वाई 2022? बिकॉज दैट इज द 75th एनिवर्सरी ऑफ अवर इंडिपेंडेंस। तो तब तक देश के हर घर में, चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में हो, बिजली होनी चाहिए। तो एनर्जी सेक्टर पे सबसे ज्यादा खर्च यहाँ पे किया जाएगा क्यूम्युलेटिव। ओके, अदरवाइज सबसे ज्यादा खर्च किया जाएगा रोड्स बनाने में, दैट इज 19% सोलली अलोन एक्सपेंडिचर इन रोड सर्विसेज। ओके, चल, और टोटल जो इसका इन्वेस्टमेंट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 102 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। चलिए, NIP will enable a forward outlook on infrastructure projects which will create jobs, improve ease of living and provide equitable access to infrastructure for all, thereby making growth more inclusive. NIP includes economic and social infrastructure projects और वही सारी चीजें यहाँ पे थियरी में लिखी हुई है। ओके, जस्ट परसेंटेज वाइज एक नोट बना लीजिए। यहाँ पे देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट, आपको परसेंटेज काफी कम सिनारियों में पूछे जाएंगे। आपको पूछा क्या जाएगा कि इतने पैसे जो खर्च होंगे वो किस हिसाब से होंगे। सारा पैसा कोई एक स्टेट नहीं करेगा या सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी, इतना पैसा तो किसी के पास है ही नहीं। तो एज पर दी प्रोजेक्ट नीड पैसा डिवाइड किया जाएगा बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर। ओके, आपको पता होना चाहिए ये जो नई गवर्नमेंट है वो काफी सारी चीजों को प्राइवेटाइज कर रही है। ओके, रेलवे को धीरे धीरे प्राइवेटाइज किया जा रहा है, एयरपोर्ट के जो फंक्शंस है एयरपोर्ट फंक्शंस को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो इन तीनों सेक्टर को मिला के सबसे ज्यादा देखिए 39:39:22 फॉर्मूला के हिसाब से अगर 100 रुपए खर्च हो रहे किसी प्रोजेक्ट में तो 39 रुपीज खर्च होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, 39 कंट्रीब्यूट करेगी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट। अगर गुजरात का प्रोजेक्ट है तो गुजरात गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल का प्रोजेक्ट है तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, एंड 22 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करेगा एक्स वाई जेड, जो भी प्राइवेट पार्टनर उसमें इंक्लूड होगा वो उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस हिसाब से आपका प्रोजेक्ट पूरा होगा। ओके, खर्च इस हिसाब से किया जाएगा। सो दिस यू शुड अंडरलाइन एंड मेक अ नोट ऑफ दिस। ओके, ये आपको सीधा सीधा पूछा जा सकता है। ओके, चलिए, सो इट वाज क्वाइट एन इजी टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। हर क्वार्टर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के रिजल्ट दिए जाते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स has announced the result of the first and second quarters of Swachh Survekshan। देखिए फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल क्यों लिया गया है? बिकॉज वी फॉलो फिनेंशियल ईयर, तो हमारा फिनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 30 अप्रैल को जाकर खत्म होता है। ओके, तो फर्स्ट क्वार्टर हो गया अप्रैल, मई, जून, सेकेंड क्वार्टर हो गया जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो उसके लिए स्वच्छता सर्वेक्षण का रिजल्ट आ गया है। ओके, और ये जो रिजल्ट है वो 5th एडिशन ऑफ द एनुअल अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे। आपने देखा होगा कि जब से स्वच्छ सर्वेक्षण स्टार्ट हुआ है तब से काफी सारे शहरों में विथ रेफरेंस टू क्लीनलीनेस और उसके साथ जुड़े हुए जो बैकएंड की जो एक्टिविटीज है उसमें रूट से काफी सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं और लोगों की जो मेंटालिटी है उसमें भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ओके, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 इज इवेल्युएटेड फॉर ईच क्वार्टर ऑन द बेसिस ऑफ मंथली अपडेशन ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। अर्बन का मतलब है शहरों को इसमें इंक्लूड किया गया है ओनली। ओके, और ये जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो कलेक्ट किया गया है बेस्ड ऑन दी 12 सर्विसेज और 12 लेवल्स जो इंडिकेट करेंगे कि भाई आपके शहर की जो म्यूनिसिपैलिटी है वो कितना अच्छा काम करती है। और 3 क्वार्टर में इसको कंडक्ट किया जाता है, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर एंड अक्टूबर टू दिसंबर 2019। अब तक इसके रिजल्ट आ चुके हैं। These quarterly assessments will hold 25% weightage in the annual survey। Okay, so ये जैसे आप मिड सेम देते हो तो मिड सेम के कुछ जो मार्क्स है वो आपकी फाइनल एग्जाम में काउंट होंगे, उसी तरह ये जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसको एनुअल सर्वे में 25% उसको क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। विच इज स्केड्यूल्ड टू कमेंस फ्रॉम 4 जनवरी 2020। तो जो एनुअल सर्वे है वो कब से स्टार्ट होगा? 4 जनवरी 2020 से। ओके, चलिए, और सिटीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले सिटीज जो होंगे जहाँ की पॉपुलेशन होगी बिटवीन 1 to 10 लाख और दूसरी जो सिटीज होगी वो होगी अबव 10 लाख। लेस देन 10 लाख कैटेगरी में, अंडर दिस कैटेगरी द रैंकिंग्स आर गिवन जोन एंड पॉपुलेशन वाइज। ओके, इट इंक्लूड्स 5 जोन, नॉर्थ, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ओके, चलिए, सो जो ये दो रिजल्ट आए हैं क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के, वो आपको यहाँ पे चार्ट में दिख रहे हैं। क्वार्टर 1 में देखिए इंदौर दोनों ही क्वार्टर में टॉप किया है। ओके, इंदौर काफी साफ सुथरा शहर बन चुका है। क्वार्टर 1 में अप्रैल में एंड जून में ये है सेकेंड भोपाल, थर्ड इज सूरत गुजरात, नासिक महाराष्ट्र, फोर्थ एंड फिफ्थ राजकोट गुजरात। क्वार्टर 2 में ये सिचुएशन बदल के क्या हो गई, इंदौर जैसे का तैसा रहा, राजकोट जंप करके कहाँ पे आ गया, फ्रॉम 5th पोजीशन टू 2nd पोजीशन। 3rd पोजीशन पे एंट्री ले ली नवी मुंबई महाराष्ट्र ने, वडोदरा इज द न्यू वन एंड भोपाल पीछे चला गया ऑन दी 5th रैंक। ओके, सो ये आपको याद रखना है। सिकंदराबाद कंटेनमेंट बोर्ड इन हैदराबाद इज द वर्स्ट परफॉर्मर अमॉन्ग दी अदर कैंटोनमेंट बोर्ड। तो सिकंदराबाद ने सबसे वर्स्ट परफॉर्म किया। और यहाँ पे आपको और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट ने इस स्वच्छता सर्वेक्षण में हिस्सा नहीं लिया था, तो उसका आपके पास आंसर होगा वेस्ट बंगाल। ओके, ममता बनर्जी ने इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को अपना डेटा देने से मना कर दिया था, ओके, ड्यू टू द पॉलिटिकल क्लैशेस। उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं, हमें ये फैक्ट याद रखना है कि भाई वेस्ट बंगाल ने हिस्सा नहीं लिया था। और इसी वजह से कोलकाता जो है वो अबाउट 10 लाख के जो सिटीज है उसमें लास्ट रैंक पे है। अगर वो साफ सुथरा भी है तो भी उसको कहाँ रखा गया है, आखिरी पायदान पर रखा गया है। ओके, चलिए इसी के साथ जो करंट न्यूज है, ओके, जो मई महीने की न्यूज है वो मैंने जोड़ दी है आपकी आसानी के लिए। स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज। तो करंटली द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और इसके जो मिनिस्टर है उसका नाम मुझे आपको ढूंढ के बताना है। ओके, पगड़ी वाले एक नेताजी हमारे इसके जो कि इसके यूनियन मिनिस्टर है। सो Ministry of Home and Urban Affairs has announced the result of the star rating of garbage-free cities for the assessment year 1920. A total 6 cities have been certified as 5-star. किसी भी सिटी को 7 स्टार का रैंकिंग नहीं दिया गया, इतना साफ सुथरा कोई सिटी अभी तक बन नहीं पाया है। 65 सिटीज 3 स्टार और 70 सिटीज को 1 स्टार का रैंकिंग दिया गया है। टॉप 5 स्टार सिटीज इंक्लूड अंबिकापुर छत्तीसगढ़, इसका लिस्ट आपके पास होना चाहिए। किसी भी फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है, स्टेट वाइज भी पूछा जा सकता है, सिटी वाइज भी पूछा जा सकता है, और इवन मैच दी पेयर्स करके भी आपको ये पूछा जा सकता है। अंबिकापुर छत्तीसगढ़, सूरत एंड राजकोट गुजरात, इंदौर मध्य प्रदेश एंड नवी मुंबई महाराष्ट्र। ओके, तो ये सबसे साफ सुथरे शहर है जिनको 5 स्टार रेटिंग दी गई है। क्यों 5 स्टार रेटिंग दी गई है, यहाँ पे सफाई अच्छी है, सफाई के साथ साथ की जो उसके पीछे बैकएंड की जो सुविधा है वो भी आपको यहाँ पे काफी अच्छी और हाई प्रोफाइल सुविधा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके, सो टोटल 141 सिटीज को यहाँ पे इंक्लूड किया गया था, इंडिया के 141 सिटीज को कवर किया गया था। ओके, नो इंडियन सिटी हैज गॉट अ 7 स्टार रेटिंग, 6 सिटीज जो है उनको 5 स्टार रेटिंग मिला है, 65 को 3 स्टार रेटिंग मिला है। ओके, चलिए विशाखापट्टनम 1 स्टार मिला है। ओके, चलिए की पॉइंट क्या है और इसका एम क्या था। दी स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री इन 2018 टू इंस्टीट्यूशनलाइज अ मैकेनिज्म फॉर सिटीज टू अचीव गार्बेज फ्री स्टेटस एंड टू मोटिवेट सिटीज टू अचीव हायर डिग्रीज ऑफ सस्टेनेबल क्लीनलीनेस। ऐसा नहीं है कि जब तक ये गवर्नमेंट है तभी तक हमें स्वच्छता का पालन करना है, दिस शुड बी अवर हैबिट। ओके, अगर मैंने वेफर का पैकेट खाया है तो अब तक मैं क्या करता था, रास्ते पे फेंक देता था। अब मेरे दिमाग में ये आएगा रास्ते पे फेंकने से पहले कि अरे यार स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है तो मुझे ये नहीं फेंकना चाहिए। ये जब हमारे आने वाले जनरेशन को पास ऑन होगा तब जाके इंडिया क्लीन बनेगा, और उसी के लिए ये सारे प्रोग्राम्स ग्रास रूट लेवल पे चलाए जा रहे हैं। और गवर्नमेंट आजकल तो काफी सारे बुक्स में भी इसको इंक्लूड कर लिया गया है ताकि स्कूल लेवल से आपको क्लीनलीनेस का जो इम्पोर्टेंस है वो आपको समझाया जा सके। ओके, और इट इज बेस्ड ऑन द 12 पैरामीटर्स विच विल फॉलो स्मार्ट फ्रेमवर्क। और ये स्मार्ट फ्रेमवर्क में क्या क्या इंक्लूड होगा, सिंगल मेट्रिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिगरस वेरिफिकेशन mechanism and targeted towards outcomes. Okay, कितना आपको टारगेट अचीव करवाए उस हिसाब से 12 पैरामीटर्स को डिफाइन किया गया है, उसके बेस पे ये सारे सिटीज को मेजर किया जाएगा। ओके, चलिए, और इसके देखिए साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को भी यहाँ पे इवेल्युएट किया जाएगा और उसको एडवाइजरी कमिटी द्वारा उसको बेहतर बनाने के लिए भी काम किया जाएगा। ऐसा नहीं कि ग्रेड देके छोड़ दिया, उसको आने वाले सालों में कैसे बेहतर बनाया जा सके उसके लिए भी काम गवर्नमेंट कर रही है। ओके, और ये है आपकी प्रोसीजर, उसमें सेम ही चीजें की गई है। जो सिग्निफिकेंट वेटेज है वो एनुअल जो वेटेज है उसमें इंक्लूड होगा एंड ऑल दोस थिंग्स। स्वच्छ सर्वेक्षण इज द एनुअल अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे है और सैनिटेशन के ऊपर ये ज्यादा फोकस करेगा। ओके, चलिए next very 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 important from your exam point of view चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS। आप कोई भी एग्जाम पेपर आने वाले एग्जाम के जब पेपर देखोगे एक ना एक सवाल आपको CDS के रिलेटेड मिलेगा। ये जो फोटो आपको साइड में दिख रहा है वो फोटो है मेजर जनरल बिपिन रावत, हु इज एन एक्स आर्मी चीफ, जो कि पहले आर्मी के चीफ थे। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ CDS पोस्ट उनको इंडिया का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। अगर लेमन लैंग्वेज में पहले हम डिस्कशन कर ले तो CDS जो होगा वो तीनों जो हमारी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, तीनों जो फोर्सेस है उसका भी चीफ होगा। क्यों CDS की जरूरत थी? तो कारगिल युद्ध से जब कमिटी ने उसका इवेल्युएट किया कि भाई कारगिल क्यों हुआ, क्यों पाकिस्तान वाले यहाँ तक घुस के आ गए, ये सारी चीजें जब एजेंसीज को इवेल्युएट किया गया तो ये पता चला कि जो ये तीनों फोर्सेस हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन की कमी है। आर्मी वाला नेवी वाले से बात नहीं करता, नेवी वाला एयरफोर्स वाले के बारे में उसको कुछ पता नहीं होगा। तो इसकी वजह से हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उस पर असर पड़ रहा है। और पिछले काफी 15, 16, 17 सालों से मांग चली आ रही थी, अलग अलग कमिटीज ने इसको रेकमेंड किया था कि भाई CDS का एक पोस्ट होना चाहिए जो तीनों जो पोस्ट का कमांड हैंडल कर सके, तीनों पोस्ट का कमांडर हो, तीनों पोस्ट को इनलाइन चला सके। और उसी की वजह से CDS की पोस्ट की क्रिएशन किया गया है। The government has modified the service rules of Army, Navy and Air Force to enable the appointment of the CDS and fix the upper age limit at 65 if a service chief is appointed to the post of CDS। तो उसकी जो CDS की जो पहले पोस्ट थी वो थी 62 इयर्स, बट उसको मॉडिफाई करके बना 3 साल और बढ़ा दिया गया है 65। ये कब होगा? जब कोई सर्विस चीफ जो ऑलरेडी नेवी, एयरफोर्स या आर्मी का चीफ है, अगर उसको CDS बनाया जाता है और अगर उसकी एज 62 से ऊपर हो गई है तो उसको मॉडिफाई करके क्या कर दिया गया है 65, ताकि वो और 3 साल तक CDS की पोस्ट पर बना रह सके। द सर्विस चीफ्स व्हेन अपॉइंटेड आर यूजुअली गिवन अ टेन्योर ऑफ 3 इयर्स और टिल दे अटेन एज ऑफ 62 इयर्स विच एवर इज अर्लियर। अब ये क्या हो गया है, टेन्योर ऑफ 3 इयर्स और एज ऑफ 65 इयर्स विच एवर इज अर्लियर। हावेवर द टेन्योर ऑफ CDS हैज नॉट बीन फिक्स्ड येट। यूजुअली 3 साल के लिए उनको बनाया जाता है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो अपने हिसाब से उसको घटा भी सकती है, अपने हिसाब से उसको बढ़ा भी सकती है, अपने हिसाब से उसको एक्सटेंड भी कर सकती है। बट जनरली जो ट्रेडिशन चला आ रहा है इन नॉर्मल टर्म्स 3 साल का टेन्योर उनको दिया जाएगा। चलिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ CDS इज अ स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ फुलफिलिंग द लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म ऑफ इंडियन आर्म फोर्स। तो 1999 से ये चला आ रहा था। इट वॉज रिकमेंडेड बाय द कारगिल रिव्यू कमिटी इन 2001। 2001 में कारगिल युद्ध की जो रिव्यू कमिटी बनी उन्होंने इसको रिकमेंड किया था। ऑल्सो 2012 में नरेश चंद्रा कमिटी जो बनी थी उन्होंने इसको रिकमेंड किया था। तो नरेश चंद्रा कमिटी ने भी इसको रिकमेंड किया। ऑल्सो 2016 में लेफ्टिनेंट जनरल DB शेकटकर कमिटी ने भी अपनी पूरी रिकमेंडेशन लिस्ट गवर्नमेंट को सौंपी थी। उसमें आउट ऑफ द 99 रिकमेंडेशन CDS वाज वन ऑफ द रिकमेंडेशंस। DB शेकटकर कमिटी, ये आपको एक बार नोट डाउन करना पड़ेगा, आपको स्क्रीन पे इसका नाम नहीं दिखेगा। और 2001 में आफ्टर द कारगिल रिव्यू कमिटी सबमिटेड रिपोर्ट, उस टाइम के जो हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे LK आडवाणी, उनकी चेयरमैनशिप में और एक कैबिनेट कमेटी का गठन किया गया था जिन्होंने भी CDS की पोस्ट को बढ़ावा दिया था। बट तब कुछ पॉलिटिकल रीजन की वजह से CDS पोस्ट नहीं बनाई गई। उसके बाद 2004 में गवर्नमेंट चेंज हो गई, UPA ने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। UPA 1, UPA 2 मनमोहन सिंह की सरकार ने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आफ्टर 2014 नरेंद्र मोदी सरकार ने इस पे काम करना स्टार्ट किया और एट लास्ट 2020 से 1 जनवरी 2020 से हमको नए CDS मिले, जो कि है बिपिन रावत, जो कि तीनों हाँ, जो चीफ है, तीनों फोर्सेस के चीफ है, उनके क्या होंगे, कमांडर इन चीफ होंगे. द कैबिनेट कमेटी ऑन स्क्रूटिनी अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ सीडीएस ऑन 24 दिसंबर 2019. तो 24 दिसंबर को इसको फाइनल अप्रूवल मिल गया. द सीडीएस विल एक्ट एज अ प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर. ओके, तो तीनों जो चीफ है फोर्सेस के, वो आके अपनी बात किसको कहेंगे, सीडीएस को कहेंगे. सीडीएस जाके किसको मिलेगा, डिफेंस मिनिस्टर को प्राइमरी एडवाइस करेगा ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू ट्राई सर्विसेज. ट्राई सर्विस मतलब आर्मी भी इंक्लूड हो गया, नेवी भी इंक्लूड हो गया एंड एयरफोर्स भी इंक्लूड हो गया. ही विल बी अपॉइंटेड इन अ 4-स्टार रैंक एट पार विद द 3 सर्विस चीफ्स. ओके, तो उसको 4-स्टार जनरल का रैंकिंग दिया जाएगा. द सीडीएस विल ऑल्सो सर्व एज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी. ओके, विच कंप्राइजेस 3 सर्विसेज चीफ. तो इनके इन तीनों चीफ से बनी हुई जो कमेटी होंगी उसके चेयरमैन कौन होंगे, सीडीएस. सो फार द चेयरमैनशिप ऑफ द सीओएससी हैज नॉट बीन परमानेंट एंड इज हेल्ड इन रोटेशन बाय द सीनियर मोस्ट सर्विस चीफ व्हिच हैज कॉज्ड प्रॉब्लम्स ऑफ इनएडिक्वेट अटेंशन एंड शॉर्ट टेन्योर्स एज चेयरमैन. ओके, तो अब तक क्या होता था, जो सबसे बड़ा है वो चेयरमैनशिप ले लेता था. इसमें ईगो क्लैशेस भी काफी होते थे और अटेंशन सीकिंग भी काफी होती थी. अब ऐसा कोई इश्यू यहाँ पे नहीं रहेगा. द ट्राई सर्विस एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशंस एंड कमांड्स रिलेटिंग टू साइबर एंड स्पेस विल बी अंडर द कमांड ऑफ सीडीएस. द सीडीएस विल ऑल्सो फंक्शन एज द मिलिट्री एडवाइजर टू न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी. तो एनसीए के मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर भी कौन काम करेगा, सीडीएस काम करेगा. ये भी आपको अंडरलाइंड सेंटेंस है जो आपको एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है. ओके, और एक चीज यहाँ पे है कि एक नए डिपार्टमेंट का डिफेंस मिनिस्ट्री में नए डिपार्टमेंट को क्रिएशन किया गया है. ओके, और ये देखिए सारी चीजें जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लॉजिस्टिक्स से ऑपरेशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रेनिंग, सपोर्ट सर्विस, कम्युनिकेशन, रिपेयर्स, मेंटेनेंस ऑफ जॉइंटली 3 सर्विसेस. ओके, उनको उन पे फोकस किया जाएगा. ओके, चलिए अब डिफेंस मिनिस्ट्री में एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया है. कौन से डिपार्टमेंट एज ऑफ नाउ है, तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस. ओके, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, इफ यू वांट यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट वंस. ओके, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट क्या करता है, ओके क्या काम करता है, उसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट बनाए गए. तो पहला है आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, दूसरा है आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन. ओके, डिफेंस के जो शस्त्र होंगे, जो साधन होंगे, जो एम्यूनेशन होगा, वो जहाँ पे प्रोडक्ट होगा उसका सारा कच्चा चिट्ठा कौन रखेगा, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन. तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट. द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज हेडेड बाय अ सेक्रेटरी. ओके, चौथा है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर. ओके, जो 1 रैंक और 1 पेंशन का जो रूल आने वाले सालों में हो सकता है आएगा, वो इस डिपार्टमेंट के काम की वजह से आएगा. और 5वां है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स. तो ये डिपार्टमेंट आफ्टर द क्रिएशन ऑफ सीडीएस पोस्ट, ये डिपार्टमेंट नया बनाया गया है. ओके, द डिपार्टमेंट of military affairs is headed by newly formed chief of defense staff. और वो क्या काम करेगा, work exclusively pertaining to military matters will follow within the purview of department of military affairs. Earlier these functions were in the purview of department of defense. तो पहले ये department of defense देखता था, अब इसको कौन देखेगा, department of military affairs, जिसको head करेंगे newly appointed CDS. Okay, so this is all about CDS. Okay, next topic is GST Council. Okay, देखिए GST के बारे में हम पता है. अब GST Act में एक एजेंसी, एक काउंसिल बनाने का जिक्र है और and that is known as GST Council. It is a constitutional body under Article 279A. ओके, तो जीएसटी जो है इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 279 है. इट मेक रिकमेंडेशंस टू द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन इश्यूज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016. ओके, सो 2016 का जो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ उसमें इसको बनाया गया. द जीएसटी काउंसिल इज चेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. और देखिए क्यों ये हम न्यूज में ले रहे हैं, क्योंकि हर महीने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है और जीएसटी काउंसिल को चेयर करते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. और इसके मेंबर्स कौन होते हैं? यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू और फिनेंस मिनिस्टर और ओके, और स्टेट की तरफ से कौन होंगे? स्टेट के फिनेंस मिनिस्टर या तो स्टेट के रेवेन्यू मिनिस्टर या तो उनकी एब्सेंस में स्टेट जिस मिनिस्टर को अपॉइंट करके भेजता है ओके टैक्सेशन के, वो इसके मेंबर्स होंगे. तो जीएसटी काउंसिल कंप्राइजेस ऑफ यूनियन फिनेंस मिनिस्टर्स एंड फिनेंस और revenue ministers from different states and union territories. Okay, चलिए, it is considered as a federal body where both the center and states get due representation. Okay, इसलिए वो federal body है. Every decision of the GST Council should be taken at a meeting by majority of not less than a 3/4 of the weighted votes of the members present and voting. तो अगर जितने states के representative present होके vote कर रहे हैं, minimum आपको 3/4 vote मिलने चाहिए. Okay, not less than 3/4 of weighting. 3/4 is almost 75% vote जब आपको मिलेंगे तभी जाके कोई नियम आप नया बना सकोगे. If the vote of the central government shall have the weightage of 1/3 of the total votes cast and the votes of the state governments taken together shall have the weightage of 2/3 of the total votes cast in that meeting. Okay, तो central government का जो portion है वो क्या होगा? थोड़ा ज्यादा होगा. Okay, चलिए, तो ये थोड़ी बहुत बात करनी थी मुझे बीच में जीएसटी की. नेक्स्ट है 107th इंडियन साइंस कांग्रेस जो जनवरी के महीने में हुई बेंगलुरु में. ओके, रिसेंटली दी प्राइम मिनिस्टर गए थे यहाँ पे, तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है इन आवर करंट अफेयर्स. ओके, प्राइम मिनिस्टर्स हैज इनॉग्रेटेड 107th. द प्राइम मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड 107th इंडियन साइंस कांग्रेस. इट इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस बिटवीन 3rd to 7th of January at the University of Agriculture Science in Bengaluru, Karnataka. Okay, और उसकी थीम क्या थी? आपको सीधे सीधे एग्जाम में थीम पूछी जा सकती है. थीम थी उसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट. ओके, चलिए, द प्रीवियस सेशन वॉज हेल्ड इन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर, पंजाब. Indian Science Congress is a major focal point for scientists, researchers and academicians interested in various aspects of scientific discoveries and technologies. तो यहाँ पे कौन इकट्ठा होगा कि भाई किस तरीके से साइंस को हमारी डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व किया जा सके और हमारी जो डे टू डे लाइफ की चीज़ें हैं उसको बेहतर बनाया जा सके, उस पे रिसर्चर्स, साइंटिस्ट और एकेडमिशियन डिस्कशन करेंगे. ओके, The Indian Science Congress Association owes its origin to the foresight and initiative of two British chemists, J.L. Simonsen and Professor P.S. McMahon. उन्होंने ऐसा सोचा था कि भाई ऐसी कोई एजेंसी की जरूरत पड़ सकती है. Okay, the first meeting of the Congress was held from January 15 to 17, 1940, at the premises of the Asiatic Society, Calcutta. ओके, तो पहली जो मीटिंग हुई थी वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी. ओके, चलिए, और ये फंड जो इसका पूरा जो फंड प्रोवाइड किया जाता है वो किया जाता है यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, चलिए, तो इतनी जो चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है. ओके, नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है इंटरेस्टिंग विच रिलेट्स टू इकोनॉमिक्स. ओके, आरबीआई ने मनी नाम की एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका पूरा नाम है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर. ओके, तो हमें पता है कि भाई डीमोनेटाइजेशन के बाद नई करेंसी नोट्स इंडियन मार्केट में आई. अब जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, जो दिव्यांगजन है, जो आंखों से नहीं दे सकते ओके, या उनकी दृष्टि बराबर से काम नहीं कर रही है, वो लोग अपनी स्पर्श की शक्ति से, अपनी फिंगरप्रिंट टचिंग से डिनोमिनेशन पहले पता करते थे। अब जैसे ही करेंसी नोट चेंज हो गई उनको सबसे ज्यादा इसकी वजह से दिक्कत होती थी। तो आरबीआई ने ऐसे लोगों की मदद के लिए, विजुअली चैलेंज्ड लोगों की मदद के लिए मनी नाम की एप्लीकेशन लॉन्च की है, जो उनको जो नोट को स्कैन करके ऑफलाइन मोड में भी काम कर सकेगी और स्कैन करके उसका आउटपुट देगी, ऑडियो आउटपुट देगी इन दी लैंग्वेजेस ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। और आने वाले टाइम में इसको यूनिवर्सल लैंग्वेज में बनाया जाएगा, मतलब आपको अगर गुजराती में चाहिए, मराठी में चाहिए, तो उस हिसाब से आरबीआई उस पर काम कर रही है। ओके चलिए, तो उसका पूरा नाम आपको याद रखना है, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय विजुअली चैलेंज्ड पीपल इन आइडेंटिफाइंग न्यू करेंसी नोट्स लॉन्च्ड आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। The application can scan the currency notes using the camera of the mobile phone. However, the app does not authenticate a note as either a genuine or counterfeit. तो as of now, वो आप सही गलत नोट के बारे में आपको नहीं बताएगा। It also gives audio output in Hindi and English. तो अभी के लिए दो languages में इसके audio output available है। The application will work on Android, iOS operating system. It will work in offline mode as well once it is installed. और ये जो फोटो में आपको जो जनाब दिख रहे हैं कौन है, वो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास। ओके चलिए, तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। ऑल द करंट अफेयर्स आर इंपॉर्टेंट विच आर कवर्ड। ओके, और इन माय लेक्चर्स यू नीड टू फॉलो पर्टिकुलर पैटर्न। ओके, कुछ कुछ चीजें मैं आपको विद इन द लेक्चर होमवर्क के लिए दूंगा, कुछ छोटे छोटे सवाल। और आफ्टर द लेक्चर यूपीएससी जीपीएससी फॉर्मेट में आपको प्रीलिम्स के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू ट्राई टू सॉल्व दिस योर क्वेश्चंस ऑन योर ओन। ओके, सो दिस इज लाइक अ स्मॉल टेस्ट फॉर यू। आपको 1-2 मिनट से ज्यादा टाइम इसको सॉल्व करने में नहीं लगेगा। ओके चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ आपको ट्राइब्स दी गई है और दूसरी तरफ स्टेट दिए गए हैं। कौन सी करेक्टली मैच्ड है वो आपको बताना है। ओके चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। स्टेटमेंट 1, इट इज कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। 2, कोलकाता इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग सिटी विद अ पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख एंड अबव। ओके, अगर आपने लेक्चर सुना है ठीक से तो भी आप इसका इजीली आंसर कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3, घटप्रभा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ओके, नाउ somewhere this was in news, which is actually a geography knowledge, right? But due to some reason it was in news, and that's why I have put this question. Ghatprabha is tributary of which of the following river? तो ये आपका geography के साथ आपका current affair link हो गया। Third is consider the following statement: the northwestern region of India is the most vulnerable region to forest fires. Option number 2, Mizoram recorded the lowest number of fire alerts from November 2018 to June 2019. और कौन से सही है स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स that you need to find. Question number 5, ISRO's second spaceport will be located in Odisha, Tamil Nadu, Andhra Pradesh और Karnataka. Okay, so these are your 5 questions, very small questions which will take not much time of yours, 1 minute per question, 5 minutes आपको लगेंगे and you will be able to solve this. Okay, इसके आंसर जो है वो आपको नेक्स्ट करंट अफेयर्स के लेक्चर में दिए जाएंगे। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। ओके, अगर कुछ डाउट है तो मुझे बताइए। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।